Good morning, students. Today we are going to start our new syllabus of mathematics from August to September, which included Unit 4th, that is linear equation in two variables, Unit 6th, lines and angles, Unit 7th, triangles. Students, note down the syllabus, Unit 4th, 6th and 7th. And today we will start our chapter number 4th, linear equation in two variables. इस चैप्टर का नेम का मीनिंग क्लियर करते हैं. सबसे पहले वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है. नॉट स्टेइंग द सेम, कि उसकी वैल्यू जो होती है वेरिएबल की वो सेम नहीं रहती. फॉर एग्जांपल उसको डिनोट करते हैं हम एक्स वाई जेड ए बी सी एक्सेट्रा किसी से भी. और वेरिएबल का मीनिंग क्लियर हो गया. टू का तो आपको पता ही है कि दो. इक्वेशंस मीन्स इक्वालिटी, कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई होंगी वो इक्वल करनी है हमने. फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज़ इक्वेशन. ये हमारे पास एक इक्वेशन है. और लीनियर का मतलब मीन्स क्या होता है. लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाइएस्ट डिग्री है वो 1 होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल इस इक्वेशन में क्या है, इसकी हाइएस्ट डिग्री 1 है, तो उसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन. अब जो मैंने सेकेंड एग्जाम्पल ली है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 2x एंड y. बट इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी हाइएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है. x एंड y की हाइएस्ट डिग्री कितनी है, 1. इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. x एंड y तो हमारे वेरिएबल हैं, और बाकी के जो हैं a b c वो क्या है, हमारे रियल नंबर. रियल नंबर में सभी कुछ आ जाता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल होल नंबर एक्सेट्रा. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1. अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. हमें स्टेटमेंट दी है, इसको हमने लीनियर इक्वेशन में लिखना है. कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, टू वेरिएबल्स. जैसे कि हमें हिंट में दिया हुआ है कि आप नोटबुक की जो कॉस्ट है उसको एक्स मान लो और जो पेन की कॉस्ट है उसको वाई मान लो. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि जो नोटबुक की वैल्यू है वो डबल है किसका, जो पेन की कॉस्ट है. तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू 2y. तो हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केसेस. मीन्स कि आपने इस जो हमें फर्स्ट से लेके 8th तक पार्ट दिए गए हैं इसके, उनको हमने ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी उसके साथ कंपेयर करना है, और फिर हमें ए बी सी की वैल्यूज बतानी है. इसमें मैं आपको एक दो पार्ट्स करवाऊंगी, बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं. लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट का हम फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, जो कि है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार. अब इसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. अब एक्स वाई हमारे वेरिएबल्स हैं, ए बी सी की जगह पे जो जो चीज टर्म्स लिखी हैं उनको हम लिख देंगे. इस फर्स्ट को कंपेयर करो, एक्स के अलावा क्या है, ए इज इक्वल टू 2 आ गया, ए की वैल्यू 2. फिर सेकेंड टर्म को कंपेयर किया, बी इज इक्वल टू 3. फिर नेक्स्ट सी, यहाँ पर साइन प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, इट मीन्स सी की वैल्यू क्या है, जो -9.35 है. बस इतना कि हमने सोल्यूशन करना है इसका. सिर्फ हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यू बतानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इसको भी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, एक्स वाई को लीव करके देखो क्या रह गया, इसके आगे कुछ नहीं लगा. मीन्स कि क्या होता है, कोफिशेंट इसका 1. तो ए की वैल्यू 1 आ गई, वाई को छोड़ के बाकी क्या बचा, अगर वाई के साथ 1 लगा दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, बी की वैल्यू 1.5 विद साइन माइनस 1.5. सी की वैल्यू क्या है, 10 या फिर माइनस 10. मैंने पहले ही कहा है कि हमने साइन लेना है, तो माइनस 10 सी की वैल्यू आ गई. बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करो और मुझे
पिक सेंड करनी है आपने होमवर्क करके। ये हम मैं 8th पार्ट करवाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 5 = 2x लिखा हुआ है, आपको हो गया कि इसमें सेकेंड टर्म तो है ही नहीं y वाली, तो हम y की वैल्यू कैसे लिखें। तो आप इसको एक तरफ ले आओ, 5 - 2x = 0 कर लिया। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन में फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, x वेरिएबल वाली, तो x वाली टर्म हम आगे ले आएंगे और दूसरी पीछे ले गए। अब इसको ही हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -2। b की वैल्यू नहीं है तो हम उसको 0 पुट कर सकते हैं। c = 5। ए आज हमारी यहाँ पर 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ लग गए होंगे दोनों सम। थैंक यू वेरी मच।